नमस्कार प्यारे बच्चों, विनिंग इज स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। और प्यारे बच्चों, आपसे आज मैं ये बताने आपसे ये बात करने जा रहा हूं कि आज हम लोग डिटरमिनेंट चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसे हम लोग प्रॉपर्टीज के नाम से भी जानते हैं, वो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। और प्यारे बच्चों, बेहतरीन टॉपिक होने के साथ साथ ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। रीजन कि अगर ये कॉम्प्लिकेटेड तब बनेगा आपके लिए जब आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अब कुछ बच्चों का कहना होगा कि सर, आप तो हर क्लास में यही कहते हैं कि भाई प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो टफ हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, आप जब छोटे थे, जब आप लोग नर्सरी या फर्स्ट क्लास में, तो आप लोगों का खा गा या पोएम वगैरह सिखाई जाती थी, तो कई बार आप लोगों को याद करवाई जाती थी, कई बार क्लास में गाई जाती थी, कई बार आपको कॉपियों में स्लेट पर लिखवाया जाता था। उसका रीजन यही था कि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपके उन कामों में परफेक्शन आएगी। तो बस ये भी वही सेम चीज है बच्चों, देखो प्रैक्टिस करना शुरू करो, क्योंकि ये कुछ ऐसे सिलेक्टेड टॉपिक हैं जो प्रैक्टिस ना करने की वजह से भूल सकते हैं। आपको डिटरमिनेंट एक पल को 1 महीने बाद भी रिवाइज करते हैं तो आपको तो याद रहेगा, लेकिन बच्चों अभी जो मैं बताने जा रहा हूं वो इतना आसान नहीं है। सीख जाओगे बहुत आसानी से, ये बात मैं मानता हूं, लेकिन उसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। रीजन क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो प्यारे बच्चों उसमें बहुत सारे ऐसे नए नए मोड्स आएंगे जिसमें आप लोगों को प्रैक्टिस के बाद ही समझ में आएगा, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे तो छोटे से वो लेवल ऊपर तक। अच्छा, और मैं इस वाले जो इस टॉपिक में, प्रॉपर्टीज के टॉपिक में, एनसीईआरटी प्लस एमएल अग्रवाल के क्वेश्चन साथ ही साथ लेके चल रहा हूं, पेंडिंग नहीं छोड़ रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन उठ के आपके सामने आ सकता है, चाहे फर्स्ट टर्म हो चाहे लास्ट टर्म हो। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हमें इसकी ना प्रॉपर्टीज सीखनी पड़ेंगी। क्या सीखनी पड़ेंगी? प्रॉपर्टीज सीखनी पड़ेंगी बच्चों। डिटर्मिनेंट की ना 6 प्रॉपर्टीज होती हैं, मैं यहां पे लिखवा तो नहीं रहा हूं, लेकिन आप लोगों को मैं इतना बता देता हूं बच्चों कि आप सभी को क्या करना है, मैं जो जो पेज नंबर बोलूं उस पेज नंबर से उस डेफिनेशन को अपनी कॉपी में लिख लेना है। ठीक है, बाकी समझा तो मैं दूंगा ही। ठीक है, उस डेफिनेशन को अपनी कॉपी में हर बच्चे को लिखना है। ठीक है, और बाकी जैसे कि मैंने कहा, समझा तो मैं दूंगा ही आपको। ठीक है, चलिए तो आपको मैं एक एक करके क्लियर करता हूं कि आखिरकार प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या कहती है। देखिए, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट कहती है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज इफ इट्स रोज एंड कॉलम आर इंटरचेंज, इफ एंड रोज एंड कॉलम आर इंटरचेंज। ध्यान से देखिए बच्चों, प्रॉपर्टीज के अंदर हम प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी में क्या बोला गया आपसे कि बच्चों अगर हमारे पास कोई, मान लीजिए डिटर्मिनेंट है ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री, सी वन सी टू सी थ्री, ये है तो, और इसका डिटर्मिनेंट मान लो डेल्टा है। इसका डिटर्मिनेंट क्या है बच्चों? डेल्टा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर कहा जा रहा है कि इनके सारे रो को कॉलम बना दिया जाए, चेंज कर दिया जाए आपस में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसकी वैल्यू पे, इसका डिटर्मिनेंट तब भी सेम रहेगा। मतलब अगर इनके रो को कॉलम बना दिया जाए या इनके कॉलम को रो बना दिया जाए, तो इनका जो डिटर्मिनेंट होगा बच्चों वो आपस में क्या होगा? सेम होगा। वो आपस में क्या होगा? सेम होगा। ये कौन कहता है? प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या कहती है कि अगर भाई किसी डिटर्मिनेंट के रो को चेंज करके कॉलम बना दिया जाए या कॉलम को चेंज करके रो बना दिया जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए, तो उनकी जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट की वो चेंज नहीं होती है। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। चलिए अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर टू। 6 है, आज ही खत्म कर लेंगे और फिर क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है, क्लास आज थोड़ी सी लंबी भी लूंगा हो सकता है। चलिए, हाँ जी, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। अब क्या है? प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। हाँ जी,
क्या बताया गया है, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड में क्या बताया गया है आपसे कि बच्चों अब आपके पास, हाँ जी पहले मैं पढ़ देता हूं, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड में आपके लिए बताया गया है कि इफ टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस, देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या बोला बच्चों। अच्छा ये पहले जो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है वो पेज नंबर किस पे है, ये पेज नंबर है 109 पे, 109 पे। और प्रॉपर्टी नंबर जो टू है वो है आपका पेज नंबर कितने पे, 110 पे, ठीक है 110 पे। तो चलिए प्रॉपर्टी नंबर टू क्या है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। मतलब क्या क्या, अगर किसी दो रो को या किसी भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू की जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। मतलब कहने का क्या है बच्चों कि A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, समझ रहे हो बच्चों? ठीक, अगर इसका डिटर्मिनेंट डेल्टा है, अगर इसका डिटर्मिनेंट डेल्टा है और मैं यहां पर क्या करता हूं, किसी भी दो रो को या किसी भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देता हूं। जैसे मान लो इसको आपस में इंटरचेंज कर दिया, मतलब R1 को इंटरचेंज कर दिया मान लो मैंने R2 से, मतलब R2 वाली पार्टी ऊपर भेज दी और ये वाली पार्टी नीचे, ठीक है। और ऐसा भी कर सकते हैं, कॉलम भी कर सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है, कॉलम भी कर सकते हैं, C2 C3। तो हमने क्या किया बच्चों, हमने रो को आपस में चेंज कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन पता क्या रहेगा भाई, डिटर्मिनेंट तो वही रहेगा लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, अगर प्लस का था तो माइनस हो जाएगा और माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम किसी डिटर्मिनेंट में किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम को आपस में चेंज कर देंगे, किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू की साइन चेंज हो जाती है, उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू की साइन चेंज हो जाती है। अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो चुका होगा सभी को, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर थ्री चलिए, हाँ जी प्रॉपर्टी नंबर थ्री बच्चों आपका पेज नंबर 112 पे है और बोला गया है इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। कह रहा है कि अगर किसी भी दो रो का या किसी भी दो कॉलम का, किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम का अगर रो और कॉलम सेम है, आइडेंटिकल है, तो उसकी वैल्यू हमेशा जीरो होगी। जैसे मान लीजिए ए बी सी, ठीक है, और ये 1 2 3 फॉर एग्जाम्पल। तो बच्चों आपने क्या देखा कि इसमें कॉलम C1 और C2 दोनों कैसे हैं, सेम है, तो बच्चों इसकी जो वैल्यू होगी ऑलवेज क्या होगी, जीरो। अब चाहे मैं इसे ऐसे लिख दूं ए बी सी, ठीक है, 3 4 5। तो हमने क्या देखा बच्चों कि दो रो आपस में कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल मतलब सेम है। तो इस तरीके से इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको दो रो या दो कॉलम एक जैसे दिखाई दे जाए, आइडेंटिकल दिखाई दे जाए, तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उसकी वैल्यू आप क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए जल्दी से वीडियो पॉज करके आप ये तीनों नोट कीजिए। तीन प्रॉपर्टी बता दी मैंने आपको, पहली प्रॉपर्टी ये क्या कि भाई अगर हम किसी डिटर्मिनेंट के रो को चेंज करके कॉलम बना दें या कॉलम को चेंज करके रो बना दें तो उनके डिटर्मिनेंट में कोई फर्क नहीं होता, सेम होते हैं। अच्छा सेकंड प्रॉपर्टी क्या पढ़ी हमने कि अगर किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो उनके डिटर्मिनेंट वैल्यू की साइन बदल जाती है, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। और तीसरा क्या पढ़ा हमने कि अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आपस में आइडेंटिकल है
यानी सेम है, तो उनके डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, जीरो होती है। तो हमने ये तीन प्रॉपर्टीज पढ़ ली, ठीक है, तो इन तीनों को उतारिए जल्दी से, ठीक है, और इसकी डेफिनेशन इसके ऊपर ही लिख देना बच्चों, पेज नंबर मैंने बता दिया है, ठीक है, इसके लिए मैं लिखवा नहीं रहा हूं, तो आपको खुद लिखना ही है, ठीक है, और लिखना क्यों है, क्या कि याद रहे। अब कोई बच्चा इतनी तेजी ना दिखाएगी, अरे मेरे को तो समझ में आ गया, याद है मुझे सब, ठीक है, आपको याद है, आप इंटेलिजेंट हो, ठीक है, आप सरस्वती माता का पूरा आशीर्वाद ले चुके हो, बहुत अच्छी बात है बच्चों, लेकिन बच्चों थोड़ी सी मेरी बात भी मान लो, पढ़ाते हुए इतने साल हो गए तो कुछ तो एक्सपीरियंस होगा, इसी वजह से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप सभी को डेफिनेशन ऊपर लिखनी है और रिवाइज करते वक्त उसको जरूर पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब मैं आगे की तीन प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो ठीक, चलिए प्रॉपर्टीज नंबर, हाँ भाई आप प्रॉपर्टी नंबर 4 पढ़ेंगे। क्या पढ़ा हमने, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई अ कॉन्स्टेंट के, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाई बाय के। मतलब क्या कह रहा है बच्चों, प्रॉपर्टीज में प्रॉपर्टी नंबर 4 आपसे कहता है कि बच्चों अगर मैं मान लीजिए मेरे पास कोई डिटर्मिनेंट है ए, ए टू, ए थ्री, बी वन, बी टू, बी थ्री, सी वन, सी टू, सी थ्री, ये हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। अब मैं अगर चाहूं तो किसी पर्टिकुलर रो से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं, और मैं चाहूं तो किसी पर्टिकुलर कॉलम को भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं। यहां पे मैं कहना क्या चाहता हूं वो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, हो सकता है, क्यों, क्योंकि अभी हम लोग न्यूमेरिकल नहीं कर रहे हैं। जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे ना तो बच्चों एक एक वर्ड क्लियर होगा, लेकिन अभी मेरी बात को समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूं। देखो रॉ और कॉलम के बारे में आपको अच्छे से जानकारी है, तो मैं कहना क्या चाहता हूं कि अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर रॉ को मल्टीप्लाई करना चाहता हूं किसी डिजिट से, तो वो मैं कर सकता हूं पर्टिकुलर रॉ को, लेकिन हाँ पर्टिकुलर मैं एलिमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आप किसी एक सिंगल रो को, वो चाहे R1 हो, R2 हो, R3 हो, या किसी भी पर्टिकुलर कॉलम को, वो C1 हो, C2 हो, या C3 हो, किसी को भी किसी डिजिट से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अब मान लो मैं कहता हूं कि भाई R1 में मैंने ऑपरेशन चलाया और मैंने क्या बना कि भाई मैंने K मल्टीप्लाई बाय R1, यानी क्या R1 के सारी डिजिट को मैंने K से मल्टीप्लाई किया, R1 की सारी डिजिट को मैंने क्या मल्टीप्लाई किया, K से मल्टीप्लाई किया। तो अगर मैं ये बाहर K लिख भी दूं ना, अगर मैं ये बाहर लिख भी दूं, तो इसका मतलब ये है कि मैं पर्टिकुलर K को इस रो से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है ना। ये K अंदर अगर जाता है तो K A1, K A2, K A3 इस तरीके से, इसको B1 से, B2 से, B3 से, या C1 से, C2 से, C3 से लेना देना नहीं है। क्यों, क्योंकि ये K हमने किसके लिए मल्टीप्लाई किया है, R1 के लिए मल्टीप्लाई किया है, किसके लिए, R1 के लिए। अब कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा हम ऐसा करेंगे क्यों, है क्या दिक्कत है, मैं परेशानी क्या है, क्यों पंगे लेंगे हम, क्यों मल्टीप्लाई करें फालतू के काम। तो बच्चों जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना तब इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। तो इस वजह से हम लोगों को किसी ना किसी डिजिट से मल्टीप्लाई और हो सकता है किसी ना किसी डिजिट से डिवाइड करना पड़ जाए, तो इसलिए हमें यह प्रॉपर्टी सीखना जरूरी है कि हम अगर चाहें तो डिटर्मिनेंट के अंदर किसी भी पर्टिकुलर रो को या किसी भी पर्टिकुलर कॉलम को हम एक डिजिट से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। यहां तक पल्ले पड़ गई सभी को, बात क्लियर हो चुका है। तो ये चौथी प्रॉपर्टी है, ठीक है। चलिए प्रॉपर्टी नंबर पांच, हाँ जी, तो प्रॉपर्टी नंबर 5 आपसे कहता है, हाँ जी, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। अच्छा अब जैसे देखो प्रॉपर्टी नंबर 5 में कहता है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट में आपको कहीं पे एक से ज्यादा टर्म दी गई है, ऐसे कुछ लिखा हुआ है,
ये दिखा हुआ है। तो भाई अब आप क्या देख रहे हो, आप क्या देख रहे हो कि भाई हमें इस क्वेश्चन के अंदर, हमें इस डिटरमिनेंट के अंदर एक ऐसा पर्टिकुलर रो दिया गया है या कॉलम दिया गया है जिसमें टर्म्स आपस में ऐड हो रही हैं, टर्म्स आपस में ऐड हो रही हैं या माइनस हो रही हैं, ठीक है। ये पर्टिकुलर एक ही रो में चल रहा है, हर किसी में नहीं चल रहा है। हर किसी में चलता तो हम फिर कोई कुछ समझते ही नहीं, तो ठीक है भाई, नॉर्मल बात है। लेकिन एक पर्टिकुलर रो में या एक पर्टिकुलर कॉलम में ऐसा काम हो रहा है तो इसका मतलब कुछ तो यूनिक होगा, कुछ तो अलग होगा, तो है जी अलग। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको अलग करते हैं। और अलग भी किस वे में करते हैं, अगर सम में है तो सम में करो, सब्ट्रैक्शन में है तो सब्ट्रैक्शन में करो। तो कैसे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अब जैसे हमें पता है कि प्लस में लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 दिया हुआ है, तो आप ना इसको सेपरेट करके ऐसे लिख सकते हो, ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री, सी वन सी टू सी थ्री, और प्लस। हाँ जी, अब क्या ए वन ए टू ए थ्री यहां लिख लिया, अब क्या लिखेंगे यहां, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, फिर वही बी वन बी टू बी थ्री और सी वन सी टू सी थ्री। कहने का मतलब क्या है मेरा, कहने का मतलब ये है कि भाई ये जो बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री है ना, वो इसके लिए ए वन ए टू ए थ्री के लिए भी अप्लाई कर रहा है और लैम्डा 1 लैम्डा और लैम्डा 3 के लिए भी रिलेट कर रहा है। तो इसलिए जब हम इन्हें ऊपर से सेपरेट करेंगे या कॉलम से सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, अगर प्लस है तो बीच में प्लस लगेगा और ये अपने अपने डिटरमिनेंट क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे और सॉल्व करके आंसर हम सब निकाल देंगे। तो ये थी हमारी क्या भाई, प्रॉपर्टी नंबर 5। ये क्या थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5, कि हम भाई किसी को भी सम और सब्ट्रैक्शन में क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। अब आते भाई प्रॉपर्टी नंबर 6, और ये लास्ट प्रॉपर्टी है, ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं लगता मुझे, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझता हूं, ठीक। इस प्रॉपर्टी में क्या है, इस प्रॉपर्टी में आपसे क्या बोला गया है कि इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट द इक्वी मल्टीप्लाई ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अदर टू रो आर एडेड, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स द सेम, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम इफ वी अप्लाई द ऑपरेशन। अच्छा, अब बच्चों इसने ना क्या कहा है कि भाई ऑपरेशन ऐड कीजिए, ऑपरेशन ऐड कीजिए। जैसे जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे इसने कहा कि मान लो इसके पास एक डिटर्मिनेंट है ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री, ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सी वन सी टू सी थ्री, ठीक है। अब इसने कहा कि इसमें ऑपरेशन चलाओ, इसमें ऑपरेशन चलाओ, और ऑपरेशन चला के क्या बना दो इसको, मान लो इसने बोल दिया ऑपरेशन चलाओ, तो चलो ठीक है जी ऑपरेशन चलाते हैं। मान लो मैंने आर वन में ऑपरेशन चलाया, आर वन प्लस में के आर थ्री, या आर थ्री की जगह आर टू ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जब आप ऐसा ऑपरेशन चलाओगे बच्चों तो कुछ देखने में ऐसा लगेगा, देखना जरा, ठीक है, कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा। हाँ भाई, आर वन कितना है ए वन प्लस के आर टू मतलब के बी वन, ये कैसा लगेगा, ए टू प्लस के बी टू, ये कैसा लगेगा, ए थ्री प्लस के बी थ्री, और बाकी तो फिर वो बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री, ऐसा है। अच्छा, अब इस वाले क्वेश्चन को देख के आपको इसकी याद आ रही होगी, सेम दिख रहा है बिल्कुल, हाँ कि ना। अच्छा, अब मैं इसे अलग कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, जल्दी बताओ, कर सकता हूं ना, कैसे अलग कर सकता हूं, ए वन ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री, ठीक है, सी वन सी टू सी थ्री, और प्लस कैसे लिखूंगा इसे, के बी वन के बी टू के बी थ्री, बी वन बी टू बी थ्री, सी वन सी टू सी थ्री, यही है। अच्छा, इसके बाद क्या करूंगा मैं, जैसे मैंने ये ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री, यही है। अच्छा, एक बात बताओ, मैंने अभी अभी क्या बताया तुम्हें कि हम किसी पर्टिकुलर रो को या किसी पर्टिकुलर कॉलम को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अरे भाई, जब मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो उसे कॉमन भी तो ले सकते हैं, जब सीधी सी बात है, जब मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो कॉमन भी ले सकते हैं। तो बस ये देखो, ये जो है
आपको दिख रहा होगा। तो भाई मैं क्या इसमें से के कॉमन ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर किससे, किसी पर्टिकुलर रो से मल्टीप्लाई हुआ पड़ा है। कौन? के। तो लो जी निकाल लिया। तो बी वन बी टू बी थ्री, बी वन बी टू बी थ्री, सॉरी यार क्या बोल रहा हूं, बी वन बी टू बी थ्री, सी वन सी टू सी थ्री। अच्छा अब एक प्रॉपर्टी ताजा ताजा याद कर लो। क्या बताया था मैंने कि अगर कोई भी दो रो और कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, एक जैसी हो जाए, तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है? जीरो। उसका डिटरमिनेंट क्या होता है? जीरो। तो ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री, सी वन सी टू सी थ्री, प्लस के इंटू में जीरो। और के इंटू में जीरो क्या होता है? जीरो ही होता है। के इंटू में जीरो क्या होता है? जीरो ही होता है। तो लो जी वापस वहीं पहुंच गए। देखो वापस वहीं पहुंच गए। तो छठी प्रॉपर्टी आपसे क्या कहती है? छठी प्रॉपर्टी आपसे ये कहती है कि अगर अगर हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम में, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में, उसकी कोई रो या कॉलम किसी डिजिट के मल्टीपल से ऐड कर दिया जाए, तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैसा का वैसा ही रहता है। मतलब अगर आप किसी डिटरमिनेंट पर ऑपरेशन चालू कर दो, अगर आप किसी डिटरमिनेंट पर क्या चालू कर दो, ऑपरेशन करना चालू कर दो, तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आई बात? अब जाके आपकी कहानी शुरू होती है कि डिटरमिनेंट में ऑपरेशन की जरूरत क्यों है। तो वो छठी प्रॉपर्टी बताती है कि अगर हम किसी डिटरमिनेंट में ऑपरेशन चालू कर दे, तो ये हमने क्या किया है? ऑपरेशन ही तो किया है। और ऑपरेशन जब हमने सॉल्व किया, तो हमने क्या देखा? हम वापस वहीं आ गए जहां से हमने शुरू किया था। तो कहने का मतलब यही है छठे प्रॉपर्टी का कि अगर आप किसी डिटरमिनेंट में ऑपरेशन शुरू कर देते हैं, तो भाई उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई चेंज नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सभी बच्चों को समझ में आ गया है? तो प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 5 और प्रॉपर्टी नंबर 6, मैंने आपको 6 की 6 प्रॉपर्टीज पढ़ा दी। जल्दी से फटाफट वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, तुरंत मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूं। तो 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो लीजिए प्यारे बच्चों 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। किसका? 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये आपके सामने कह रहा है भाई ये प्रूफ करो कि जीरो के बराबर है। क्या करो? प्रूफ करो कि जीरो के बराबर है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, यहां तक हो गया। अच्छा इसके बाद आप अच्छे से जानते हैं, आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई गई थी कि प्लस है तो भाई हम इसको क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, कर दिया सेपरेट। तो अब क्या बोल सकता हूं मैं? यहां पे बोल सकता हूं सी वन एंड सी थ्री आर आइडेंटिकल, और इस वाले में बोल सकता हूं मैं कि भाई सी टू एंड सी थ्री आर आइडेंटिकल। तो बच्चों जब कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम किसी डिटरमिनेंट में आइडेंटिकल होते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 0 + 0 जीरो। लो जी हैंस प्रूव्ड, हो गया खत्म। ऐसे करना है सिंपल। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे जल्दी से फटाफट फुर्ती। ठीक है, ये देखिए एनसीईआरटी ऐप या एनसीईआरटी बुक जो भी आपके सामने हो, बस शुरू हो जाइए। ठीक है, उसमें देख देख के ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, फिर है बी माइनस सी, सी माइनस ए, और फिर ए माइनस बी, फिर क्या है? सी माइनस ए, ए माइनस बी और बी माइनस सी। ये भी प्रूफ करना है जीरो के बराबर। ये भी क्या प्रूफ करना है? जीरो के बराबर। अच्छा अब देखो इसमें सारी कहानी अजीब सी है। ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, बी माइनस सी, बी माइनस सी, सी माइनस है, सी माइनस है, सी माइनस है। ठीक है, सब दिए हैं लेकिन आइडेंटिकल बनने के कोई चांसेस नहीं है। सब अलग 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 जगहों पे दिए हैं, तो आइडेंटिकल बनने की कोशिश हम नहीं कर पा रहे। तो चलो एक काम करते हैं, मैं एक काम करता हूं भाई। देखो मुझे एक चीज दिखाई दे रही है कि अगर मैं इस रो को या इस कॉलम को किसी को भी देखूं, चलो मैं रो को देखता हूं, मैं इस रो को देखूं, तो एक बार ए प्लस में है, एक बार ए माइनस में है, एक बार बी माइनस में है, एक बार बी प्लस में है, एक बार सी प्लस में है, एक बार सी माइनस में है। मतलब
ए अगर दो है तो एक प्लस का एक माइनस का है, बी अगर दो है तो एक प्लस का एक माइनस का है, सी अगर दो है तो वो भी एक प्लस का एक माइनस का है। इसका मतलब क्या हुआ मेरे बच्चों कि वो कटना बहुत आसान हो जाएगा, और कट के वो क्या बनाएगा, जीरो बनाएगा। तो बस बड़े प्यार से लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और C1 यानी कॉलम के अंदर ऑपरेशन करेंगे, क्या C1 प्लस C2 प्लस C3 हम ये ऑपरेशन कर देंगे। अब आप चाहो तो R1 में भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल वही आंसर आने जा रहा है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। A माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, हाँ जी, C1 के अंदर ऑपरेशन क्या किया मैंने, तीनों को ऐड कर दिया, बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, फिर क्या किया सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। तो भाई C1 के अंदर तीनों को ऐड कर दिया, बाकी सारे तो एक जैसे ही रहेंगे, बाकी सारे तो एक जैसे ही रहेंगे। ठीक है, तो ये सब तो आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपस में सारे एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और कैंसिल होके बनेगा जीरो जीरो जीरो, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। अब बच्चों मैं आपको एक बात और बता दूं, आप इसे प्रॉपर्टी नंबर 7 का नाम दे दो, कुछ भी दे दो, मैं बस इतना बताना चाहूंगा, अगर कोई भी किसी भी डिटर्मिनेंट में, किसी भी डिटर्मिनेंट पे कोई भी रॉ या कोई भी कॉलम अगर 0 0 0 फॉर्म बनाती है तो उसका डिटर्मिनेंट ऑलवेज 0 होता है। कोई भी रॉ या कोई भी कॉलम 0 0 से फॉर्म हो रही है, पूरी 0 0 फॉर्म हो रही है, याद रखना उसका डिटर्मिनेंट बिना सोचे समझे बेधड़क आंसर में क्या लिख देना, आप 0 लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ गई बात, क्या समझाया मैंने कि अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम 0 0 0 का फॉर्मेशन बनाती है तो उसका तुरंत आंसर क्या लिख देंगे हम, उसका डिटर्मिनेंट लिख देंगे 0। ठीक है, तो चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड को वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। ठीक है, फिर मैं आपको एक नया क्वेश्चन कराता हूं। चलिए, तो वीडियो पॉज करके आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब मैं इसको रब कर देता हूं और क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, 3। आज कर लेंगे 6-7 क्वेश्चन तो कर ही लेंगे आज। चलिए शुरू करें, हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है 2765 और इसमें लिखा हुआ है 3875 और इसमें लिखा हुआ है 5986 और ये बराबर प्रूफ करना है 0 के, प्रूफ करना ही हमें, क्या प्रूफ करना है, 0 के बराबर प्रूफ करना है। तो ठीक है जी, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, अब करेंगे क्या हम करेंगे क्या, हम ना बच्चे काम करेंगे, हम C1 के अंदर एक ऑपरेशन करेंगे, C1 के अंदर एक ऑपरेशन करेंगे। क्या ऑपरेशन करेंगे, मुझे ये दिख रहा है कि बच्चों अगर मैं 7 को 9 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो कितना बनता है, जल्दी बोलो, 7 9 63 और 63 में 2 ऐड करूं तो 65 बन जाएगा, हाँ कि ना। ठीक, फिर इसी तरह 8 को 9 से मल्टीप्लाई करूं तो 8 9 72 और 3 ऐड करूंगा 75, फिर 9 9 81 प्लस 86, तो यानी कि C1 के अंदर मैं ऑपरेशन करूंगा, क्या C1 प्लस में 9 C2, क्या ऑपरेशन करने जा रहा हूं मैं, C1 प्लस में 9C2, ताकि ये दोनों एक जैसे बन जाए। तो ठीक है जी, बनाते हैं एक जैसे, चलो C1 की जगह पे क्या रखेंगे, 2, फिर 9C2, तो 9 7 63 और 2 65, फिर यहां पे भी 3, यहां पे 8 8 9 72 और 3 75, यहां पे 5, यहां पे 9 9 9 81 और ये 86 बन गया बच्चों। अब बताओ, मुझे तो नहीं लगता अब तुम लोग कुछ भी पूछने वाले हो, एक सेकंड में आंसर रख दोगे, क्या C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, तो जब आइडेंटिकल है तो बस बात खत्म, क्या आएगा आंसर, 0 हो गया कि नहीं हो गया, है सिंपल। तो बच्चों इस तरीके से आपके सामने ये सारे नकली क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहे थे। ठीक है,
अभी धीरे धीरे आएंगे असली क्वेश्चन भी, टेंशन ना लो। क्वेश्चन नंबर चार देखो, क्वेश्चन नंबर चार देखो, क्वेश्चन नंबर चार, वन वन वन। ऐसा सही बताऊं तो अभी तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं कराया जो एग्जाम में आने के लायक है, लेकिन कर लो, ये भी अच्छी बात है। ए बी, ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, और ये सी ए प्लस बी, ठीक है। इसको भी प्रूफ करना है जीरो के बराबर, तो ठीक है जी, इसको भी कर देंगे, क्या दिक्कत है। लो वन वन वन, बी सी ए सी ए बी, अंदर मल्टीप्लाई करो, ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए बी, और ये ए सी प्लस बी सी, ठीक है जी, ये कर दिया हमने। अब क्या करेंगे बच्चों, देखो अगर ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों सी टू और सी थ्री को आपस में ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये देखना जरा बच्चों, ध्यान से देखना क्या बन जाएगा, ये ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यही बनेगा ना। तो बस सी टू के अंदर ऑपरेशन कर दो, क्या सी टू प्लस सी थ्री, बात खत्म। वन 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 ऐड करो, क्या बनेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है बच्चों। और वो तो अपनी जगह पे सेम ही है, ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए बी, और ए सी प्लस बी सी, ठीक है। अच्छा अब आपको मैंने क्या बताया था बच्चों, जल्दी बोलो। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको कहता हूं कि ये पूरा अपने आप में वन से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या मैं कहीं पे भी बच्चों गलत हूं, जल्दी बता दो। अगर मैं कहता हूं कि ये पूरा का पूरा आपस में वन से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या मैं कहीं भी गलत हूं, बिल्कुल गलत नहीं हूं। क्यों नहीं हूं, क्योंकि इस दुनिया की कोई सी भी डिजिट या कोई सा भी कंटेंट अगर मल्टीपल के तरीके से सोचा जाए, तो हर एक कंटेंट और हर एक डिजिट मल्टीप्लाई बाय वन होता ही होता है, समझ रहे हो बच्चों, हर चीज। क्योंकि अगर जीरो से होगी तो वो तो जीरो ही बन जाएगी, टू से होगी तो वो डबल हो जाएगी। तो जब वो अपने आप का खुद वजूद रख रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो अकेला है, और अकेला का मतलब क्या होता है भाई, मल्टीप्लाई बाय वन, ठीक है बच्चों। अच्छा तो जब मल्टीप्लाई बाय वन है, तो अभी हमने प्रॉपर्टीज में सीखा था कि हम किसी भी हम डिटर्मिनेंट के अंदर किसी भी पर्टिकुलर रो को या किसी भी पर्टिकुलर कॉलम को हम किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि भाई हमने इस सेकंड कॉलम को हमने इससे मल्टीप्लाई किया, तो कॉमन ले लीजिए आप ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये हमने क्या किया बच्चों, ये हमने सी टू से कॉमन ले लिया, ये हमने क्या कर लिया, सी टू से कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या, वन वन वन, और सी टू में भी क्या बचेगा, वन वन वन, तो ये बच गया ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए बी, ए सी प्लस बी सी, ठीक है जी। अब आपको अच्छे से पता है, क्या पता है, कि अगर कोई भी दो रो या कॉलम आइडेंटिकल होती हैं, तो उसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, है ना, मल्टीप्लाई बाय, इसकी वैल्यू क्या बनेगी, जीरो। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में आइडेंटिकल हैं, तो बस जब ये जीरो तो सारा ही जीरो। तो यही प्रूफ करना था हमें, तो हमें यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फोर आप लोग नोट कीजिए, ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन फिफ्थ लिखा है मैंने, और मैं आपसे ये भी एक बात बता दूं कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार जब मैं खुद 12th में था तब भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए मैं सॉरी इसलिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को काफी अच्छे से कीजिएगा, ठीक है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है इसलिए, और इसलिए मैंने यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट भी लिख दिया है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, ठीक है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, आप यहां देख रहे हो कि सारा कंटेंट प्लस में है, और यहां पर हमें प्रूफ करना है। अच्छा अब कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा भाई सारा कंटेंट प्लस में काम करते हैं, हम सबको अलग कर देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप सबको अलग कर भी दोगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, तो जी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, आपको तब भी उतना ही सॉल्व करना पड़ेगा। आप चाहे अलग करके कर लो, ठीक है, आप चाहे इसी में रह के कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। अगर आप सबको अलग भी कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और सबको
एक साथ भी रख के सॉल्व कर लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व करने के तकरीबन 3 से 4 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 3 से 4 तरीके हैं। किसी भी तरीके से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम ऐसा तरीका अपनाएंगे जिसमें हमें कम लिखना भी पड़े, ठीक है, और 3 से 4 स्टेप में, क्योंकि ये ज्यादा नंबर का वेटेज नहीं रखता लेकिन आता बहुत बार है, तो इस वजह से इसको उस हिसाब से करेंगे कि हमारा टाइम भी ज्यादा ना लगे और हम इसे आसानी से सॉल्व भी कर लें। अच्छा, तो बच्चों अगर आप इसको देखेंगे तो इस कॉलम में देखिए, ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, आर 2 बार, पी 2 बार, क्यू 2 बार, एक्स 2 बार, जेड 2 बार, वाई 2 बार, सही बात है। तो अगर बच्चों मैं लेफ्ट हैंड साइड के R1 में ऑपरेशन करूं और R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐड करूं, तो ये सब आपस में ऐड हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, और ऑपरेशन चल किस में रहा है? R1 में। तो ये बनेंगे क्या? A प्लस A 2A, B प्लस B 2B, C प्लस C 2C। तो क्या मैं इसको 2A प्लस B प्लस C लिख सकता हूं? इसी तरीके से ये भी होगा 2P प्लस 2Q प्लस 2R, तो इसको भी मैं 2P प्लस Q प्लस R लिख सकता हूं। इसको भी 2x 2y 2z, तो क्या मैं इसको भी 2x प्लस y प्लस z लिख सकता हूं ना प्यारे बच्चों? अब बाकी नीचे तो भाई हमने कुछ छेड़खानी की नहीं, तो जैसा है वैसा ही रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। चलो कोई दिक्कत? अच्छा, अब जैसा कि आपको अच्छे से पता है कि हम किसी पर्टिकुलर डिजिट को कॉमन ले सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो कॉमन लीजिए। जब कॉमन लीजिएगा तो यहां पे लिखना पड़ेगा टेकिंग कॉमन टू फ्रॉम, कहां से? R1 से, ठीक है। तो 2 बाहर निकाल लीजिए, ये बनेगा A प्लस बी प्लस सी, ये बनेगा C प्लस A, ये बनेगा A प्लस बी, ये बनेगा P प्लस क्यू प्लस R, ये R प्लस पी, ये P प्लस क्यू, ये X प्लस वाई प्लस जेड, ये जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, यही है बच्चों। अच्छा, अब क्या करें? अब एक काम करते हैं, अब हम इसमें ऑपरेशन चलाते हैं, ठीक है। क्या मुझे यहां पे क्या चाहिए? मुझे यहां पे चाहिए B, मुझे यहां पे क्या चाहिए? C, यहां पे Q, यहां पे R, यहां पे Y, यहां पे Z। अब देखो यहां पे A और C है लेकिन B नहीं है, A और B है लेकिन C नहीं है, तो लाएंगे ना हम, कैसे लाएंगे? देखो आप क्या करो, आप ना इसमें से ये पूरा माइनस करो, मतलब R2 के अंदर ऑपरेशन करो और R2 में से R1 माइनस कर दो। और देखो अब इसकी सुनो इस वाले की, यहां पे A प्लस बी है, चाहिए क्या? C, तो आप इसमें से इसको माइनस करो, तो आप R3 ऑपरेशन में क्या देखेंगे कि आप R3 माइनस R1 कर रहे हैं। इससे फर्क क्या पड़ेगा जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलो करते हैं, ऑपरेशन तो लिख दिया हमने, अब सॉल्व करते हैं। हाँ जी, सॉल्व कीजिए। करेंगे भाई, भाई ये तो अपनी जगह पे फिक्स रहेगा A प्लस बी प्लस सी, ये भी अपनी जगह पे P प्लस क्यू प्लस R, ये भी अपनी जगह पे X प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अब देखो तुम बच्चों, जब A पहले R2 का ऑपरेशन है ना, तो R2 का करो, C प्लस A में से जब R1 को माइनस करोगे तो ये तो सारे ही माइनस के हो जाएंगे ना, तो A से A कटा, C से C कटा, तो बचेगा क्या? माइनस का B। इसी तरीके से जब R2 माइनस R1, तो यानी R प्लस P को माइनस करोगे तो ये तो सारे ही माइनस के हो जाएंगे ना, तो P से P, R से R कट जाएंगे, तो बचेगा क्या? माइनस का Q। इसी प्रकार इससे भी, तो Z से Z, X से X, तो बचेगा माइनस का Y। इसी तरीके से अब R3 का ऑपरेशन है, जब A प्लस B में से ये माइनस होगा, A से A, B से B, तो क्या बचेगा? माइनस का C। P से P, Q से Q, माइनस का R। X से X, Y से Y, माइनस का Z। लो जी, हमने सॉल्व करके यहां तक सारी वैल्यू ले आए, सही है, ऑपरेशन करके वहां तक पहुंच गए। आप कहोगे सर गलत करा रहे हो, यहां तो प्लस के चाहिए, आपने तो माइनस के ले आओ, तो भाई एक मिनट का सबर करो, देखो अभी आंसर आपके सामने होगा। अच्छा, लेकिन बच्चों देखो, यहां बी चाहिए था ले आए, क्यू चाहिए था ले आए, वाई चाहिए था ले आए, सी आर जेड जो चाहिए था हम ले तो आए, लेकिन ऊपर वालों का क्या? ऊपर वालों की भी तो कोई बात है, क्यों? क्योंकि ऊपर तो हमें ए पी और एक्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे? हमें काम करेंगे, हम R1 में ऑपरेशन करेंगे, और क्या करेंगे? R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखो क्या होने वाला है बच्चों, जब आप R1 प्लस R2 प्लस R3 करोगे तो A प्लस B प्लस C, ये R1 है, R2 कितना है? माइनस का B, R3 कितना है? माइनस का C। देखो B से B कटा, C से C कटा, देखो A बचा। इसी तरीके से Q से Q कटा, R से R कटा, P बचा,
वाई से वाई, जेड से जेड, एक्स बचा हाँ कि ना? अरे बोलो, बच गया ना। तो देखो ऊपर वाली चीज सेम हो गई। अब क्या करो, मैंने क्या बताया था, किसी भी चीज को पर्टिकुलरली कॉमन ले सकते हैं और पर्टिकुलर उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बस यहां से कहेंगे टेकिंग कॉमन माइनस, माइनस कॉमन लिया हमने फ्रॉम कहां से, आर टू से एंड आर थ्री से। तो लो भाई, एक बार माइनस, दूसरी बार माइनस, दोनों बार माइनस हमने कॉमन ले लिया। तो ए पी एक्स, बी क्यू वाई, सी आर जेड, दोनों जगह से कॉमन ले लिया। और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। देखो बच्चों, प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताओ प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, हो सकता है किसी के स्कूल वालों ने एक अलग मेथड से जैसे इसको सेपरेट करके करवाया होगा, तो गलत नहीं है वो भी। ठीक है, तो इसको मैंने बता दिया ना, इसको सॉल्व करने के 3 से 4 तरीके हैं। अब कोई सा भी तरीका अपना लो, ठीक है, चाहे तो सबको ऑल सेपरेट करके, चाहे एक सिंगल किसी भी कॉलम को या किसी भी रॉ को सेपरेट करके, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये भी तरीका है, तो आप बहुत तरीके हैं, जैसे भी करना चाहो सब सही है। ठीक है, लेकिन बस क्या है, जो ऑपरेशन कर रहे हो वो अच्छे से अप्लाई करते चलना। ठीक है, तो चलिए इसको उतारिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कीजिए जल्दी से। चलिए बच्चों, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 6 देखते हैं, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा यूनिक है ये। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, और इसमें आप मल्टीप्लाई करना भी सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक अच्छा क्वेश्चन लगता है मेरे को। प्रूफ करना है आपको 0 के बराबर। ठीक है, किसके बराबर प्रूफ करना है, 0 के बराबर। तो चलिए हम सबसे पहले क्या ले लेंगे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, क्यों, क्योंकि इसमें अब ना आप मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। क्या करना सीखेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। तो किस प्रकार से मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है, तो जरा देखिए, ध्यान से देखिए। ठीक, अब बच्चों मुझे यहां पे देखो, ए बिल्कुल अलग तरीके से, सी बिल्कुल अलग तरीके से, बी बिल्कुल अलग तरीके से दिया हुआ है। सही बात है। अच्छा, अब मैं यहां पर क्या बनाना चाहता हूं, मैं यहां पर क्या बनाना चाहता हूं कि मेरे लिए सिंपल हो जाए। बच्चों पता है क्या, देखो इसको 0 ना आप सॉल्व करके तो बना नहीं सकते। तो इसका एक तरीका यही है कि अगर अगर आप इसको आइडेंटिकल कर दो तो ये 0 बन सकता है। क्या बन कर दो, आइडेंटिकल कर दो तो 0 बन सकता है। तो चलिए आइडेंटिकल करने की कोशिश करते हैं। तो मैं काम करता हूं भाई, यहां पे भी सी है ना, तो मैं किसी तरीके से यहां पर भी सी ले आता हूं। तो चलिए ठीक है, कैसे लाएंगे, आर वन है, तो एक काम करो आर वन को ना सी से मल्टीप्लाई करो। चलो अब एक बात याद रखना, जब भी कोई काम आप जबरदस्ती करते हैं तो आपने ये सीखा है, जब भी कोई काम हम जबरदस्ती करते हैं तो हमने ये सीखा है कि जैसे याद करो पिछली क्लासों में, छोटी क्लासों में हमने सीखा था कि अगर हम जबरदस्ती प्लस करते हैं तो उतना ही हम माइनस भी करते हैं। तो वही रीजन है यहां पे भी कि अगर आप जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थोड़ी है। क्वेश्चन को तो आप खुद उलझा के तब वहां तक लेके जा रहे हैं। तो उसमें हमने क्या किया, मल्टीप्लाई हम अपनी सुविधा के लिए कर रहे हैं ना, तो क्वेश्चन को बैलेंस करके चलेंगे। अगर हम अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड भी हाथों हाथ करके चलेंगे, ताकि क्वेश्चन क्या रहे, बैलेंस रहे। तो बस सी से मल्टीप्लाई अगर हो रहा है तो सी से डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को बैलेंस करके चलना है। अगर क्वेश्चन बैलेंस नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, अब सी किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आर वन से, तो करो आर वन से। तो ये 1/c हो गया, 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ए सी हो गया, ये माइनस का बी सी हो गया, ये माइनस का ए, 0 माइनस सी, बी सी और 0। ठीक है, बी सी और 0। ठीक है जी, चलो तो अब जरा ध्यान से देखेंगे। अब इसी के अंदर एक पार्ट और करेंगे हम, क्या करेंगे भाई, इसी के अंदर एक काम हम करेंगे, ऑपरेशन करते हैं। चलो ऑपरेशन करेंगे आर वन में, क्या ऑपरेशन करेंगे, आर वन माइनस, आर वन माइनस। अच्छा, मैं क्या माइनस करूं, मैं क्या माइनस करूं कि देखो अगर मैं नीचे जैसे बी और सी चाहता हूं तो सी तो आ गया, बस यहां पे बी और आ जाए ना तो मजा सा आ जाए। तो क्या करूंगा बच्चों, एक काम करता हूं, आर वन में मैं माइनस कर देता हूं क्या, बी आर टू। क्यों, क्योंकि देखो जब मैं बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा ए बी, क्या बनेगा, ए बी, और माइनस होने की वजह से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो मेरा काम तो आसान हो गया, तो बस बात खत्म, 1/c। चलिए आर वन कितना है, 0,
माइनस का ए, तो माइनस माइनस प्लस का क्या बन जाएगा, ए भी बन जाएगा। अच्छा आर वन क्या है, ए सी, आर टू क्या है, जीरो, तो बस ये तो ए सी ही रहेगा। अच्छा अब देखेंगे आर वन क्या है, माइनस का बी सी, माइनस का बी सी, लेकिन आर टू क्या है, जल्दी बताइए आर टू क्या है, माइनस का सी, तो माइनस का सी होगा तो माइनस माइनस प्लस का बी सी हो जाएगा, कैंसिल आउट, देखो कितना आ गया, जीरो आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है चलिए अब आर वन में ऑपरेशन हो गया, बस इसको अब पंगे नहीं लेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब मुझे मेरे क्वेश्चन सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है कैसे करेंगे, अब कुछ नहीं करना है बच्चों आपको, अगर आप गौर से देखेंगे तो ऊपर से आपका ए कॉमन आ रहा है, क्या अब तुम बोलोगे भाई सर झूठ बोल रहे हो, ठीक है आपको नजर नहीं आ रहा, आंखें खराब हो गई, तो जी आंखें खराब नहीं हुई है, आपको मैं एक बात बताता हूं, पता है जीरो से, जीरो से आप दुनिया की किसी भी चीज को कॉमन ले सकते हो, किसी भी नंबर को, कैसे, मैं अगर लिख देता हूं भाई टेन इंटू में जीरो तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, मैं लिख देता हूं भाई फाइव इंटू में जीरो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, अगर मैं लिख देता हूं टू इंटू में जीरो बराबर थ्री इंटू में जीरो बराबर सिक्स इंटू में जीरो बराबर एक लाख इंटू में जीरो तो क्या कोई भी फर्क पड़ेगा, अरे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बच्चों, क्यों, क्योंकि वैल्यू तो ये अपने आप में अब क्या बनती चली जा रही है, जीरो, तो जीरो एक ऐसी डिजिट है जिसको किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो तो जीरो बनाता है, तो इस वजह से अगर हम उसमें से कुछ भी कॉमन लेना चाहें तो हम जबरदस्ती उसमें से कॉमन ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है तो चलिए अब अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं ए बी ए सी और जीरो को लिख देता हूं ए इंटू में जीरो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जीरो ये माइनस का सी, ये बी, ये सी, ये जीरो। अब देखो अगर मैं टेकिंग कॉमन, क्या लिखेंगे, टेकिंग कॉमन ए फ्रॉम आर वन, तो लो भाई ए कॉमन निकाल लिया, ए बटा सी, तो ये हो गया बी सी जीरो माइनस ए जीरो माइनस का सी बी सी जीरो। अब आप क्या देख रहे हैं कि R1 और R3 दोनों आइडेंटिकल हो गए, तो बस बात खत्म, R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। ठीक है तो चलिए A अपॉन में C इंटू जीरो बराबर जीरो, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है तो इस तरीके से बच्चों आपको ये क्वेश्चन करना था। ठीक है तो अभी आप इसके कोई भी क्वेश्चन अपनी मर्जी से बच्चों नहीं छेड़ेंगे, कोई भी बच्चा, ठीक है कोई भी बच्चा अपनी मर्जी से इन क्वेश्चनों में पंगे नहीं लेगा। ठीक है अभी मैंने आपको 6 क्वेश्चन करवाए हैं, इसी की आप प्रैक्टिस कीजिए, अगली क्लास में मैं आपको 4.2 खत्म करा दूंगा। ठीक है फिर आप पूरी 4.2 के अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, फिलहाल हाँ ये 6 क्वेश्चन की रिवीजन जरूर करिएगा। ठीक फिर हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद नए 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 क्वेश्चन करेंगे तो क्या होगा, सॉल्व करने में आसानी रहेगी। अभी आप लोगों को, ठीक है अगर मन भी कर रहा हो कि हाँ भाई मजा आ रहा है तब भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी जल्दी अभी नहीं सीखेंगे, तो इसी को प्रैक्टिस कीजिए, अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे तो नए नए क्वेश्चन करेंगे। ठीक है तो चलिए इसे नोट कर लेंगे, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। ठीक है।